Welcome you again in this Sachchidanand learning channel. It is 4th chapter English class 12 prose ka the right trap. Previous video mein iske summary ko bataya hai, jo log nahi dekhe uske zarur check kare. Saath hi saath English NCERT based syllabus 2022 ka niche playlist bana hua hai, us par ja kar ke sare chapteron ke question answer aap check kar sakte hain. Yadi channel par naye student to channel ko subscribe kar de. Aaiye iske aage badhte hain, isme 60 question ki taraf first part. So first question is given, who was the rattrap? चूहेदान बचने वाला कौन था और how did he make them? और चूहेदान आखिर वो कैसे बनाता था? तो देखें, the rattrap seller was a man who sold a small rattrap of wire. तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि तार की बनी हुई चूहेदानियों को बेचा करता था और वह साथ ही साथ beggar and thief also. माने चोर भी था और भिखारी भी था. एंड द रैट्रैप सेलर मेड देम हिमसेल्फ, स्वयं ही बनाया करता था इन चूहेदानियों को. फ्रॉम मटेरियल गॉट ही बाय बेगिंग द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्मों से या फिर दुकान से जब कोई चीज़ भीख मांगता था तो इन सब चीज़ों से वो ये रैट्रैप बनाया करता था चूहेदानी. क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आइडिया अबाउट द वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस. तो उसके दिमाग में जो चूहेदानी बेचने वाला था तो उसके दिमाग में क्या विचार आया हमारे इस वर्ल्ड के बारे में. तो द रैट्रैप सेलर वाज स्ट्रक बाई आइडिया ऑफ द होल वर्ल्ड अबाउट हिम. तो उसके चारों तरफ जो पूरा संसार इसमें इसके बारे में एक विचार आया कि जो पूरा संसार है होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट अ बिग रैट्रैप. तो सोचा कि यहाँ पर जो धरती है, समुद्र है, शहरें हैं, गाँव है, तो इसके साथ ही साथ पूरे संसार के साथ अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ा रैट्रैप है, महाजाल यानी कि चूहेदान की तरह है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई. तो उस चूहेदानी बेचने वाले को रात्रि विश्राम किसने दिया और क्यों. देखें, द ओनर ऑफ द कॉटेज बाई द रोड साइड हूँ आज एन ओल्ड मैन गिव शेल्टर टू द रैट्रैप सेलर. तो उस चूहेदानी बेचने वाले को आश्रय दिया था वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि सड़क के किनारे उसकी कुटी थी, झोपड़ी थी. बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि वह परिवार में अकेला था ओल्ड मैन, और उसके पास वाइफ और बच्चे नहीं थे, और उसको तो बहुत खुश महसूस होता था कि जब कोई उससे बात करे एकांत में इस तरह से अकेला होकर के, लोनली लेस होकर के, लोनली लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाई डिड द रैट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज. वह जो चूहेदान बेचने वाला था वह कृषक की कुटिया पर आखिर क्यों फिर बाद में लौट आया. आइए चेक करते हैं. देखें, रात्रि विश्राम ठहरा था और वो उस पैसे को देख रहा था कि थैले में रखते हुए उस कृषक को. और देखें, द रैट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील द मनी ऑफ पाउच इन द एब्सेंट ऑफ क्राफ्टर. जो कृषक था, जो किसान था, उसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में वह उसके घर लौट आया क्योंकि वहाँ पर उस थैले में वो पैसा देखा था रखते हुए कृषक को, तो उस पैसे को चुराने के लिए जो थैला में था वो लौट आया. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि व्हाट हैपेंड विथ द रैट्रैप सेलर इन द वुड्स. जंगल में आखिर उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ हुआ क्या. तो देखिए, वांडरिंग करता रहा, भटकता रहा पूरे जंगल में दिन भर, इधर से उधर कोई सटीक रास्ता मिला नहीं, पथ गुमराहित भ्रमित वो जंगल था, और उस महाजाल में वो फंस चुका था जंगल रूपी संसार में, और नीचे बैठ गया थक करके, धरती पर गिर गया. अब लगा कि अब मेरी मृत्यु काफ़ी नज़दीक है. उसे लगा कि मेरा जो अंतिम समय है, लास्ट टाइम मोमेंट, वो आ गया था. सो थैंक यू स्टूडेंट.